कितना पीला आम है सबसे पका हुआ इस गाच के ऊपर। बबली निकल। हाँ भाई, बबली अब ना गेट पर ही आके खड़े रहते, पता नहीं क्यों। सभी भाई बबली को लिए फीड लेने चलते हैं, दे रखे थे वो फीड जो है खत्म हो गया। हाँ, फीड तो खत्म हो चुका है, तो चलते हैं लेकर के आते हैं इनके लिए फीड। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं खेतों की तरफ में, बंटी और बबली और चुन्नू मुन्नू राजू मनी के लिए घास लेने। तो सभी भाई यहीं से घर लो घास। इसमें तो घास है नहीं, इसी को निकालना होगा, इसी को निकाल लो। सभी भाई घास नहीं है, देख रहे हैं सब सूख गया, सूख गया, बारिश नहीं हो रहा ना इस वजह से ऐसा हो गया, ये इसीलिए सब घास सूख रही है। देख रहे हो ये क्या घास है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, हरा पत्ता तो इसमें दिख ही नहीं रहा। पर धूप ये बहुत ज्यादा फायदा करता है ना, इसलिए हम लोग ले जाके देते हैं, लेकिन वो लोग खा जाते हैं, ये भी घास खा जाते हैं। अभी हम लोग इतना घास ले लिए निकतम, इतना घास से हमारे रेबिट खा लेंगे, तो चलते हैं अभी दे देते हैं इनको। दोस्तों हर तरफ ना बिल्कुल ही सूखा सूखा सा है, कहीं घास नहीं है, वैसे हरी हरी घासें दिख रही है पर वो घास नहीं है, जो हमारे रेबिट खाते हैं ना वो वाली निकतम घास है वाली नहीं है, सब खड़ है, जिससे हम लोग घर बना सकते हैं। खा लो। हमारी गोल्डन मुर्गी अंदर में ही है, पता नहीं क्यों। चलो बाहर जाओ फिर खा लो, जाओ। दोस्तों ये जा नहीं रही है, पता नहीं क्यों। निकतम थोड़ा इसको बाहर निकालो। तो दोस्तों निकतम कह रहा है ना, गोल्डन मुर्गी जब भी बाहर जा रही है ना, सारे मुर्गे उसके पीछे पड़ जा रहे हैं और दौड़ के वो छुप जा रही है, मार रहे हैं भाई उसको। तो रहन देते हैं, अंदर में ही रहते हैं। प्यार से खा रहे हैं लोग, भूखे थे ना इसलिए बार बार वो गेट पे भी दौड़ के आ रहे थे। अभी हमने जो घास दिया ना, हमारे रेबिट बड़े ही प्यार से खा रहे हैं और सभी निकल के आए हुए हैं। खा लो। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। तो सभी परिंदे ना निकल के बाहर आए हुए हैं, सभी नहीं आए हैं, कुछ परिंदे आए हुए हैं, और बगल में ना उसकी मैना भी आई है, उड़कर चली गई। वो मैना जंगली मैना है, आती है हमारे कबूतरों के साथ इधर, फीड खाती है फिर चली जाती है। आज फर्स्ट टाइम ना उल्लू पिगोन भी ना बाहर की तरफ आया हुआ है। आओ 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 आ जाओ। दोस्तों पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, अंदर फीड है, तो निकतम अभी पानी लेकर आएगा, तब हम इनका पानी भी चेंज कर देंगे। आ जाओ। हमारी मुखी कबूतर दोनों बाहर आ चुके हैं, तो देख लेते हैं उसके अंडे सही हैं कि नहीं और अंडे फोड़े हैं कि नहीं। हटो। यार अंडे तो ऐसे ही हैं, कब फोड़ेगी हमारी मुखी कबूतरी। और इधर में बेवफा कबूतर जब से पकड़ा गया है ना अंदर में ही है, बाहर गया ही नहीं है, पता नहीं क्यों। सिराजी तो अपना अंडे का सेफ्टी कर रही है, ठीक है ना। चलो बैठो। इधर वाला बेबी कैसा है, ये भी बेबी ना दोस्तों। मारो नहीं, क्यों मारते हो। हमारी दुलर कबूतरी ना जब देखो हम पे हमला करती है, जब भी हम उसमें हाथ देते हैं ना जब भी मारने लगती है। बैठे हो
दोनों अंडे दिए हैं कि नहीं, एक बार दिखाओ। अरे यार रुको, एक ही अंडे है। हमारी फैंसी कौती पता नहीं एक ही अंडे क्यों देती है। चलिए ये दोनों का जोड़ा लग चुका है और जब मर्जी उड़ते रहते हैं और अपने मर्जी से उड़ रहे हैं। देख रहे हैं उधर चले गए। ऐसा करो निकतम, इनका पानी चेंज कर दो, बहुत ज़्यादा ही गंदा हो गया। ये देखो ये आ गए, पता नहीं अंडे देते नहीं है सिर्फ उड़ रहे हैं। उतर गए, उतरो। दोस्तों उस पर इसलिए डाल दिया ना, ये पानी से ना इस पर ठंडा भी रहेगा। धो दो फटाफट और इनको पानी दे दो। सभी परिंदे बाहर निकले हैं ना, वैसे तो दोस्तों अंदर में ही फीड इतना दे देते हैं ना, ये लोग बाहर आने का ज़रूरत नहीं है। पर ये लोग जब भी हम खोलते हैं तो सभी परिंदे थोड़ा देर आते हैं, बाहर घूमते फिरते हैं और फिर इनका जब मन भर जाता है तो वापस अंदर चले जाते हैं। दोस्तों हमारी जावा, हिरनी, सिम्बा और गब्बर सभी ना उधर गए हुए हैं, पापा लेकर गए हैं सभी को, फीड चला रहे हैं। वैसे तो हर तरफ ना सूखी सूखी घास है, पर उनको कुछ अच्छा लग रहा होगा इसलिए खा रही होंगी। एकदम वही बात होगा भाई, क्या करोगे, बारिश हो नहीं रहा, जो हर थोड़ा सा हरा भरा है उसी में चल रहे हैं। ये जो हमने लेकर आए हैं ना जावा और गब्बर, बहुत ही अच्छे हैं नस्ल के, कुछ भी खा ले रहे हैं, देख रहे हो, कुछ भी खा ले रहे हैं और घर छोड़ के कहीं जाते भी नहीं है। वैसे हमारी हिरनी और सिम्बा मालूम है क्या करते हैं दोस्तों, कभी इधर भगते हैं कभी इधर भगते हैं, पर हमारा जो जावा है और गब्बर है उसमें ऐसा आदत नहीं है, वो सीधा अपने घर पे भगते हैं, घर पे ही सीधा आ जाते हैं फीड खाओगे। तो अभी सभी भाई अभी ठीक, हमारे परिंदे ना हाथ पे आके खा रहे हैं, हाथ पे आके खा रहे हैं। और रोटी अगर दोस्तों छोटा छोटा करके खिलाओगे ना तो कबूतर बहुत चाव से खाते हैं, क्या सही भाई? सभी हाथ पे आ जाते हैं, रोटी को देखते ही ना हाथ पे दौड़ने लगते हैं। पहली टाइम वो थोड़ा खाएंगे और उसके बाद आप जब एक बार खा लेंगे ना तो आपके हाथ जैसे ही आओगे आप पहुंचोगे अपने कबूतरों के पास तो तुरंत हाथ पे आना, हाथ पे बुलाने का ना तरीका है, तरीका सही बात है, रोटी तुरंत देख कर आ जाते हैं। हाँ और कोई सा भी फीड दोगे ना दोस्तों नहीं आते हैं, लेकिन अगर रोटी अगर आप छोटे छोटे तोड़ के दे रहे हो ना तो लोग हाथ पे आके खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डर कोई भी डर रहा है हमारे कबूतर? कोई नहीं डर रहा, कोई नहीं डरेंगे भाई, कोई नहीं डरेंगे। मुझे भी ना बहुत अच्छा लगता है जब हमारे कबूतर हाथों पे आके खाते हैं, लेकिन सारे परिंदे नहीं आए भाई अभी सब अंदर। अरे ऐसा हुआ ना, हम जब पानी लेकर आए ना सभी आए थे दौड़ कर और वो लोग तो फिर रोटी था नहीं, और अभी गर्मा गर्म निकला है तो हम लेकर आए हैं दे रहे यार, बाकी जितने भी अंदर है ना उनको भी पता चलेगा ना तो दौड़ते आएंगे। सही बात है, ऐसा करो ना जाके सबको निकालो ना। नहीं नहीं निकालेंगे नहीं भाई, निकालने का मतलब हो गया जबरदस्ती, और वो नहीं करेंगे हम लोग अपने परिंदों के साथ में, ठीक है, जबरदस्ती नहीं करता। तो दोस्तों हमारे सारे परिंदे फीड खा लिए और सूरज की किरणें भी डूब चुकी हैं। चलो 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 जाओ जाओ जाओ। कौन है सभी? ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सभी भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय दोस्तों।